हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपाचे आरटीआर 160 की कुछ कमियां बताने वाला हूं कि आप ये बाइक क्यों ना खरीदें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अगर कोई भी बाइक लेते हैं तो वो बाइक परफेक्ट नहीं रहती है। अगर आप 150 सीसी की ले रहे हैं, 200 सीसी की ले रहे हैं या बड़ी बाइक भी ले रहे हैं तो कोई भी बाइक आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं है। ऐसे आज आप हम अपाचे आरटीआर 160 में देखेंगे कि इसमें क्या कमियाँ हैं। सबसे पहले जो आपको फील होगा ये बाइक लेने के बाद कि अगर आप चलाते हैं बाइक को और थोड़ा सा 5000 आरपीएम 6000 आरपीएम पे जाते हैं तो एक वाइब्रेशन फील होता है इसके हैंडल्स में। और जो तीसरी बात है वो इस बाइक में जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान देने की ये बात है कि जैसे ये दोनों काउल हैं इस बाइक में तो ये दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस है, सेम फिट नहीं हुए हैं। लेफ्ट वाला काउल और राइट वाला काउल देखेंगे तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ये एग्जैक्ट सेम फिट नहीं है। तो ये का थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ले रहे हैं बाइक तो उसमें आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक और बात, जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें आपको फ्यूल गेज डिजिटल दिया गया है, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे आप पेट्रोल डलवा रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके पड़ेगा, कभी कभी तो बहुत टाइम लगा देता है बढ़ने में। जैसे आपने अभी डलवाया तो वो 10-15 मिनट बाद शो करेगा कि हाँ आपने डलवाया है, और कभी कभी ये गलत भी बता देता है। जैसे कि आपने पेट्रोल डलवाया तो कभी कभी ये शो ही नहीं करेगा 10-15 मिनट तक आपको कि पेट्रोल डला है बाइक में। जो अगर ये लेवल 1-2 पे है तो वो उतना ही रहता है कभी कभी। और कभी कभी जैसे आपकी ये बाइक है, अभी ये स्टैंड पे खड़ी है, साइड स्टैंड पे बाइक, और अगर मैं इसको ऐसे ही बाइक को उठाऊंगा और लेके चला जाऊंगा तो वो अभी पेट्रोल ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि इसमें साइड स्टैंड पे खड़ी रहती है तो वो उसमें रीड ज़्यादा कर लेता है। और फिर आप चलेंगे तो 2-3-4 किलोमीटर तक भी आप चलते हैं तो आपको पेट्रोल ज़्यादा दिखाता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं तो एक बार बाइक में पेट्रोल ज़रूर चेक कर लें, इसमें ये फ्यूल मीटर बहुत प्रॉब्लम देता है। क्या अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, जैसे 6 फीट से ज़्यादा हाइट है, जैसे मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, तो आप जब भी बैठेंगे तो आपका ये लेग यहाँ टकराते हैं काउल में, आपके लेग काउल में टकराएंगे, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वैसे बेसिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप अगर लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ ये पैर मतलब थोड़े से टकराते हैं इसमें काउल में, यहाँ पर आपके पैर टकराएंगे, आप बिल्कुल चिपका के नहीं रख सकते इसको। तो आप अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और आखिरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि जैसे आप हाई स्पीड पे भगा रहे हैं, वैसे तो 160 सेगमेंट की बाइक आप ज़्यादा नहीं भगाएंगे, लेकिन फिर भी आप 100 के ऊपर चला रहे हैं हाईवे पे, तो आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगी कि बिल्कुल स्टेबिलिटी गाड़ी की इतनी अच्छी नहीं है। इस सेगमेंट की बाकी गाड़ी अगर आप देखें तो कई गाड़ी हैं जो इनकी स्टेबिलिटी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल इसमें आप 90 तक चला रहे हैं तो ठीक है। अगर आप 100 के ऊपर जाते हैं, 110 115 120 तक, तो फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम लगती है बाइक की आपको। बाकी तो गाड़ी में ठीक, सब कुछ ठीक है। और एक लास्ट चीज़, अगर आप रात में बाइक चला रहे हैं तो इसमें लाइट बहुत कम है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इटारसी में रहता हूँ और मैं अप डाउन करता हूँ भोपाल में, क्योंकि मेरा भोपाल में कॉलेज है। तो जब मैं अप डाउन करता हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर रात हो जाती है, मैं भोपाल से लेट निकलता हूँ कॉलेज से, और अगर रात हो गई तो इसमें लाइट बहुत कम है, बहुत कम। इसमें लाइट की इतनी प्रॉब्लम आती है, अगर सामने से कुछ ट्रक वगैरह आ रहा हो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसमें मैंने 2 फॉग लैंप लगवाए थे पहले, लेकिन अब वो निकाल दिए हैं, ये मेरा गाड़ी का मास्क चेंज हुआ था, अभी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था तो वो उसमें मास्क चेंज हुआ था, तो उस टाइम से निकाल दिया था, उसमें अभी लगे नहीं हैं। तो उसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम जाती है। वैसे आपको ये करना पड़ता है कि इसको लो बीम पे रख के पास लाइट जलाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा उजेला उसमें बढ़ जाता है। बाकी तो गाड़ी में अगर आप जो कंपनी से लाइट दिया गया वो बहुत कम है, वो कोई काम नहीं आता बिल्कुल। तो TVS कंपनी अगर इस थोड़ा सा लाइट बढ़ाए तो थोड़ा सा अच्छा होगा। वैसे मैंने शोरूम पे गया था इसके बाइक के शोरूम पे और उनसे बोला था कि इसका लाइट बहुत कम है, TVS विक्टर में जो लाइट दिया गया है वो इसमें लगवा दिया जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ 35 वॉट का लाइट दिया गया है जो सफिशियंट नहीं है।
बाकी ओल्ड मॉडल अपाचे में भी यही लाइट है, लेकिन उसका जो फोकस है तो वो लाइट सही देता है, लेकिन इसमें शायद लाइट फैल जाता है, क्या होता है समझ में नहीं आता, लाइट बहुत ही कम है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इसमें और कोई कमी आपको नहीं मिलेगी, बस थोड़ा सा टायर का ग्रिप अगर आप चेंज करवाते हैं तो कोई MRF के या फिर कोई अदर कंपनी के टायर अच्छे ग्रिप वाले डलवा सकते हैं। बाकी तो जैसे आप बाइक ले रहे हैं तो आपको लगभग 20,000 किलोमीटर तो ये टायर चल जाएंगे, उसके बाद आप चेंज करवाएंगे तो उसके बाद कोई अदर कंपनी के अच्छे टायर चेंज करवा सकते हैं। और ओवरऑल क्वालिटी बाइक की ठीक है, बस थोड़ा सा ये कुछ प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आपकी हाइट लंबी है तो एक पहले राइड करके देख लें बाइक लेने से पहले, किसी की आपके फ्रेंड की या फिर कहीं पे आपको शोरूम पे टेस्ट ड्राइव वैसे मिल जाती है, TVS पे टेस्ट ड्राइव दे देते हैं, तो आप राइड करके बाइक देख लें उसके बाद ही बाइक लें। तो दोस्तों बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और नए नए वीडियो ला सकें।